तो वही राजौरी से आपको एक बड़ी खबर जानकारी दे दें। आपको बता दें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उग्रवादियों की मदद करने का उन पर आरोप है। तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर की गई है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उन पर ये आरोप है कि ये उग्रवादियों की मदद कर रहे हैं। हालांकि इनसे पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना होगा, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है। 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। राजौरी से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है, 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उग्रवादियों की मदद करने का इन पर आरोप है, हालांकि इनसे जरूर पूछताछ की जा रही है और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना होगा। लेकिन ऐसे ही सुरक्षा बलों की छापेमारी भी लगातार देखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर में होती है, इसमें कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया जाता है। तो अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी अभी तक, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। देखिए सपना, ये हम बात कर रहे हैं अभी राजौरी की, तो राजौरी में रिसेंटली जो वहां पे फायरिंग हुई थी, मिलिटेंट्स के द्वारा जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद में कुछ वहां पे जो काफी सारे जो सिविलियन हैं उनकी डेथ हो गई थी और उनमें से कुछ एक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और कुछ एक को भी जख्मी कर दिया गया था। उसके बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो है राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ मिलके एक अभियान चला रही है, एक सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस तलाश में है कि जो भी संदिग्ध है, जो भी हमलावर है, उनकी जो है तलाशी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसके बाद में पूरे राजौरी जिले को के अंदर जो है अभी फिस्किंग वगैरह जारी है। तो इसी सिलसिले में आज जो है कुछ 11 संदिग्धों को जो है अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है कि कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन जो है किस तरीके से है और क्या इस इंसिडेंट में वो मुलविस है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा और बाजार तौर पे इनके खिलाफ भी जो है FIR भी दर्ज किया गया। अभी पूछताछ है, इंट्रोगेशन बाकी है और इंट्रोगेशन के बाद में जो कुछ सामने आता है तो फिलहाल कबल वक्त कहना ये होगा कि अभी क्या कुछ सामने आएगा। लेकिन अभी जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनको लिया गया है। तो इससे पहले कल शाम को एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो एक गाड़ी के द्वारा जो बाइक से भाग रहे थे, कुछ संदिग्ध भाग रहे थे, तो सिक्योरिटी फोर्स का मानना है कि ये मिलिटेंट ही थे क्योंकि बाइक जो वहां पे गिरी पड़ी थी उसका कोई नंबर प्लेट नहीं था, कोई नाम नहीं था और उसके बाद में वो वहां से भाग गए थे। अभी भी वहां पे पूरे इलाके को घेराव में लिया है और पूरे इलाके को की छानबीन की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो इंसिडेंट रिसेंटली इंसिडेंट हो रहे हैं राजौरी में, इसका पता लगाया जा रहा है और इसमें कौन से संदिग्ध व्यक्ति जो है इसमें मुलविस है और उनको कैफरी किरदार तक जल्द जल्द पहुंचाया जाए ताकि जो है इस तरीके के आगे की इंसिडेंट ना हो जाए। और साथ ही साथ जो वहां पे राजौरी में बाकी आम लोग हैं, चाहे हम रुकला हजरात है, चाहे सियासी है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, सभी जो है यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इस इंसिडेंट में मुलविस है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए ताकि इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो सामने ना आ जाए। सपना, बिल्कुल, और इसको लेकर ही अब सर्चिंग भी किया जा रहा है। हालांकि ये 12 संदिग्ध जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। अजहर, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।